दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपके पौधों को तुरंत ताकत मिलेगी। और अगर कोई ऐसा प्लांट है जो थोड़ा ख़राब हो रहा है तो ये उसे भी ठीक कर सकता है और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होने लगेगी। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी आपके पौधे जो हैं वो बहुत वीक होने लगते हैं और उनकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली होकर झड़ने लगती हैं और धीरे धीरे हमारा पौधा बहुत कमज़ोर सा दिखने लगता है। तो ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम इन पौधों को कैसे बचाएं, क्या खाद दें इसमें कि हमारे ये पौधे ठीक हो जाएं। तो दोस्तों इसके लिए आप इन पौधों को लिक्विड खाद दीजिए, क्योंकि ये खाद जो है वो पौधे जल्दी लेते हैं और उन जो भी ये समस्या उनकी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि लिक्विड खाद से पौधे जल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं और उनमें जो कमी होती है ना वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो देखिए आज मैं आपको 5 ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके पौधों के लिए अमृत की तरह काम करेगा। अगर आपके पौधे में ग्रोथ रुक गई है, फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल हो करके झड़ जाते हैं, पौधा वीक हो गया है, तो इन सब तरह के प्रॉब्लम में आप इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप खाद देख रहे हैं ये मैंने घर पे ही तैयार किया है और ये बिल्कुल फ्री में तैयार हुआ है। इसमें आपको कहीं से कुछ पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, कहीं से कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल घर के चीज़ों से बनाया हुआ खाद है और ये आपके पौधे के लिए बहुत 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 न्यूट्रिशियस है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं कि ये क्या है, कैसे बनता है, इसका पौधे पर कैसे यूज़ करना है। आप इन सभी खाद को अपने आवश्यकता के अनुसार बदल बदल कर पौधों में दे सकते हैं। आप इसे फूलों वाले पौधे में, फलों वाले पौधे, अगर आपने कोई सब्जियां लगा रखी हैं तो आप सब्जियों में भी इसे दे सकते हैं। और साथ ही जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, आप उन सब में इसे बहुत आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ घरेलू चीज़ों से बना है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपके प्लांट पे नहीं होगा। और बस आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, इसे कब देना है, खास सुबह में देना सही रहेगा या शाम में देना सही रहेगा। दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी बातों के बारे में हम बहुत डिटेल्स में जानने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला खाद है उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये सबसे पहला जो खाद है हमारा, बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम अपने शरीर के लिए मल्टीविटामिन का यूज़ करते हैं कि हमारे शरीर को ताकत मिले, सेम ये हमारे पौधे के लिए मल्टीविटामिन का काम करता है। तो ये है फलों के छिलके की खाद। हमारे घर में जो भी फल आते हैं, बहुत हम क्या करते हैं कि फल तो खा लेते हैं लेकिन उसके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन उसके छिलकों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो अगर उन छिलकों से आप खाद बना करके पौधे को देते हैं तो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपके घर में जो भी फल आते हैं ना, आप फल खा लीजिए, शरीर को ताकत दीजिए और उसके जो छिलके हैं उसे आप जमा कर लीजिए और उससे पौधों को ताकत दीजिए। तो जो भी हमारे छिलके होते हैं उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। मैंने यहाँ इसे काटा नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो इससे भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो आप उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और फिर काट करके उसे एक डब्बे में डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। इसमें हमने जो इस्तेमाल किए हैं वो नारंगी के छिलके हैं, केले के छिलके, खीरे के छिलके, और भी अब गर्मियों का सीज़न आ गया है, बहुत सारे फल आने वाले हैं जैसे तरबूज, आम, सेब का जो एप्पल पील होता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फलों के छिलके मिले, साथ में जो भी सब्जियां हमारे घर में आती हैं उनके छिलके भी आप कलेक्ट कर लीजिए और उन सबको काट करके छोटे छोटे पीसेज में पानी में डाल दीजिए। इन सब का अपना न्यूट्रिशन होता है, जैसे बनाना पील जो होता है उसमें कैल्शियम होता है जो कि पौधे की जो रूट होती है ना उसके ग्रोथ को अच्छा करता है और मिट्टी में ऑक्सीजन बनाए रखता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है,
सल्फर होता है जो पौधों को मजबूत जड़ देता है और कीटों से दूर भी रखता है, और फॉस्फोरस होता है जो कि फलने और फूलने में सुधार करता है, पोटेशियम है जो पौधों शक्ति देता है, और साथ ही साथ ये कीटों और बीमारियों के प्रति पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है और फूल को फल में बदलने में मदद करता है। इसके साथ ही जैसे हमारा ये ऑरेंज पील है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, फाइबर, कैल्शियम, फोलेट जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी मदद से पौधे की ग्रोथ होती है और इसमें फूल खिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप सारे पौधों फलों के छिलकों को जमा कर लीजिए, पानी में डाल दीजिए और 24 से 48 घंटे तक आप इसे भिगो के रखिए। उसके बाद इसे छान लीजिए और छान के इतनी ही मात्रा में इसमें पानी मिला दीजिए और फिर इसे आप अपने पौधों में दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है, आप इसे सभी तरह के पौधों में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने में बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी मीठे फल होते हैं ना उनमें शुगर होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसके पल्प ना जाएं, क्योंकि अगर पल्प जाएंगे तो वो मीठा होगा और फिर आपके पौधों में चींटियां लगने का काफ़ी डर रहता है, और अगर चींटियां लग जाती है ना और समय पे उसको क्योर नहीं किया गया तो वो आपके पौधों को ख़राब भी कर सकती है। दोस्तों इसमें पौधे को ना माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जिस कारण से पौधे का जो ग्रोथ होता है वो आपको लगभग एक हफ्ते में ही इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो इसे मतलब अक्सर यूज़ करती हूँ, हफ्ते में एक बार तो इसे पौधों में दे ही देती हूँ। तो आप भी इसके एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी जो खाद है हमारी ये है अनियन पील फर्टिलाइज़र। इसका एक डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वो देख सकते हैं। और ये हम अपने पौधे में बहुत आसानी से दे सकते हैं, फूलों वाले पौधों के लिए तो ये बेस्ट होता है। हम सब के घरों में प्याज इस्तेमाल होता है और हम प्याज इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके छिलके फेंक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप उस छिलके को जमा करके रखते चलिए और बस उसके जो सूखे वाले छिलके होते हैं ना उसे ही रखना है, जो गीला वाला पार्ट है उसे नहीं रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और ये बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, सबके घरों में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए आप जो भी प्याज के छिलके हैं वो ले करके एक जार में डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और उसे कम से कम 2 दिन के लिए आप चाहें तो रख सकते हैं पानी में। 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसके पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, वो हल्का ब्राउन टाइप का आपको दिखेगा। ये छिलके का जो भी न्यूट्रिशन था वो अब इस पानी में चला गया है और ये पौधे को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्याज के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, आयरन होता है, और ये जो भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं ना जैसे कि टेनोक्लॉक हुआ, गुलाब हुआ या फिर मोगरा, गुड़हल, इन सब पौधों के लिए ये बहुत अच्छी खाद होती है। इससे पौधों में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल बनना शुरू हो जाएंगे, कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तो 2 दिन के बाद आप इससे निकालिए और इसे उतने ही मात्रा में आप पानी इसमें मिला लीजिए और फिर आप उस जितने भी आपके गार्डन में पौधे हैं, फूलों वाले, सब्जियों वाले, हर तरह के पौधे में आप दे सकते हैं। और इसका भी रिज़ल्ट आपको 3 से 4 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने 10 o'clock के पौधे में भी दिया है। और तीसरा नंबर का जो हमारा खाद है, अगला जो हमारा खाद है वो है गोबर की खाद, यानी कि गाय के जो गोबर होते हैं ना जिसका हम कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये उसका ही लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास काउडंग ना हो तो आप जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है या फिर जो भी कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं उसकी खाद आप बना सकते हैं। इससे कंपोस्ट टी भी कहा जाता है और ये पौधों के लिए बहुत, आपको तो पता ही है कि कंपोस्ट हमारे पौधे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर उसे लिक्विड फॉर्म में बना दिया जाए तो ये पौधे में जल्दी जाता है और इसका रिज़ल्ट भी दिखना जल्दी शुरू होता है। तो इसके लिए आपको करना है कि लगभग 100 ग्राम के आसपास आप कंपोस्ट ले लीजिए और उसे पानी में भिगो दीजिए। 2 दिन तक उसे पानी में वैसे ही रहने दीजिए और फिर 2 दिन के बाद सेम अमाउंट में
आप उस पहले उसे छान लीजिए और फिर सेम अमाउंट में उसमें पानी मिला दीजिए, और जितने भी आपके गार्डन में पौधे हैं, चाहे वो फूल के हों, फल के हों, सब्जियों के हों, आप हर तरह के पौधे में इसे बिना किसी झिझक के दे सकते हैं। तो इस खाद में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें NPK होता है, इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम और साथ में और भी बहुत सारे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि आपके पौधे के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। अगर पौधे की ग्रोथ रुक गई है, उसमें फल नहीं बन रहे हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, या फिर कोई नया ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये खाद आप ज़रूर दीजिए। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कंपोस्ट ले लेना है और उसे आप पानी में भिगो के रख दीजिए और फिर उसे सेम अमाउंट में उसमें सिंपल प्लेन वाटर मिला करके आप अपने पौधे में डाल दीजिए। और दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अभी पौधों को खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, तो गर्मियों के मौसम में ये बहुत एक ठंडी खाद होती है जिसका पौधे पर जलने का भी कोई डर नहीं रहता है। ये ठंडी खाद है तो गर्मियों के मौसम में आप इसे अपने पौधे में बहुत आराम से दे सकते हैं। इसका रिज़ल्ट भी आपको लगभग एक हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देती है। अगला जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, नीम की खली बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाती है और ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। नीम खली में बहुत अच्छी मात्रा में NPK के साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, सल्फ़र, आयरन, ये सभी पाए माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। इससे जो हमारी मिट्टी होती है ना, उसका pH बैलेंस रहता है और ये मिट्टी को सॉफ्ट बनाए रखता है। अगर मिट्टी में किसी तरह का कीड़ा लग जा रहा है या फिर चींटियां हो, फंगस हो, ये सभी समस्याएं नीम खली से दूर हो जाती हैं। ये फ्लावरिंग को इनक्रीज़ करता है और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे प्लांट्स में या फिर हमारे मिट्टी में, ये उसे भी मारता है, दूर करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वालों के लिए या फिर टेरेस गार्डनिंग करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आप इसे हर तरह के पौधे में दे सकते हैं, फलों वाले, फूलों वाले, सब्जियों में, हर तरह के पौधों में इसे दिया जा सकता है। इसका इस्तेमाल खेतों में भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं ना, तो ये इसका इस्तेमाल आपके सब्जियों को 20% तक बढ़ा सकता है। और आप जब सीडलिंग तैयार करते हैं तो उस समय भी आप इसे मिट्टी में दे सकते हैं। ये मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है ना, उसे बढ़ाती है, मिट्टी की क्वालिटी को अच्छी करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्लांट्स के रूट में कोई रोग लग जाए या फिर गांठें वगैरह बन जाती हैं, तो ये उसका भी ट्रीटमेंट करती है। ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। और जो हमारे जो कड़वी वाली नीम का पेड़ होता है, उसके जो निबौली होती है या निबौर कहते हैं, ये उसी बीजों को पीस करके बनाया जाता है। जब उन बीजों को पीसा जाता है ना, तो एक साइड से नीम ऑयल निकलता है और दूसरे साइड से नीम की खली निकलती है। तो नीम ऑयल का भी यूज़ पौधों में जब कीड़े लग जाते हैं तो उसमें स्प्रे किया जाता है। तो दोस्तों, इसे बनाना कैसे है, तो कम से कम 50 ग्राम के आसपास आप नीम की खली को पानी में भिगो दीजिए और आप इसे एक दिन के लिए भिगो दीजिए और फिर उसे छान करके उसमें 3 गुना पानी मिला दीजिए। पानी का आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो 3 गुना पानी मिला दीजिए और हर तरह के पौधे में आप इसे दे सकते हैं। और ये लास्ट है, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं ना, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ या फिर काउडंग कंपोस्ट हुआ, तो जिस भी प्रकार का कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें से आपने नोटिस किया होगा कि पानी का रिसाव होता है, उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। तो अगर आपको अपने कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को तेज़ करना है तो इस पानी को आप वापस उस कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आधे पानी को अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया है और आधे पानी को मैं यहाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करूँगी। इसमें तो हर तरह के आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, माइक्रो मैक्रो, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, फ्लावरिंग के लिए भी अच्छा है, फूलों के लिए भी अच्छा है। तो बस इसे
आप ले लीजिए और इसमें सेम अमाउंट में पानी मिला दीजिए और मिला करके आप हर तरह के पौधे में दे सकते हैं। इसका भी पौधे में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ये भी पौधे की ग्रोथ को काफ़ी अच्छा रखेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पांच तरह के फर्टिलाइज़र, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ कमेंट में आप अपने सजेशन और अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिए ताकि मुझे भी पता चले। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। देखिए लास्ट में मैंने क्या किया है कि मेरे जितने भी फर्टिलाइज़र पांच तरीके के बनाए थे उन सब में से मैंने थोड़ा थोड़ा बचा के रखा है और उन सब को मिक्स करके मैं अब इस नींबू के पेड़ में डाल दूँगी। तो यानी कि अगर आपके पास अलग अलग डब्बा ना हो, जार ना हो कंपोस्ट बनाने के लिए, तो आप इन सभी चीज़ों को एक ही ये डब्बे में डाल करके बना सकते हैं। इसका भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैंने अलग अलग आपको डिटेल्स में बताने के लिए किया था, तो आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को एक साथ एक ही जार में डाल करके बना सकते हैं। तो इसे मैंने नींबू में भी दिया है, अपने फूलों वाले पौधे में भी दिया है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।